आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमला नगर में इन दिनों भक्तिमय वातावरण में मुंशी 108 परम सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में 8 दिवसीय श्री नंदीश्वर द्वीप महामय पूजन का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को भी नंदीश्वर द्वीप महामंडल विधान के दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्त पूरे विधि विधान के साथ श्री जी की भक्ति करते हुए नजर आए। यहाँ भक्तों द्वारा महामंडल विधान के दौरान 864 अर्घ भी चढ़ाए गए। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इन दिनों कमला नगर स्थित डी ब्लॉक में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के परम शिष्य और हम योग प्रणेता मुनीश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में 8 दिवसीय श्री नंदीश्वर द्वीप महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। श्री नंदीश्वर द्वीप महामह पूजन विधान के छठवें दिन विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी राकेश जैन के द्वारा विधान में सैकड़ों की संख्या में मौजूद भक्तों को पूरे विधि विधान से श्री जी की भक्ति कराई जा रही है। नंदीश्वर द्वीप महामंडल विधान के दौरान शुक्रवार को विधान की शुरुआत भक्तिमय वातावरण में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के चित्रनावरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस दौरान भक्तों ने मुनिश्री के समक्ष श्रीफल भेंट कर मुनिश्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त किया। कमला नगर में परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम सागर जी महाराज द्वारा लिखित एवं उनके मुखारबिंद से अर्घ उच्चारण वाले नंदीश्वर महाविधान का आयोजन चल रहा है। आज इस विधान का छठवां दिन था और आज महाराज श्री के मुखारबिंद से 864 अर्घ चढ़ाए और इन सभी अर्घों को चढ़ा के यहाँ की जितने भी भक्त हैं, चार निकाय के देव बने हुए हैं। श्री नंदीश्वर द्वीप महामंडल विधान के दौरान मुनिश्री ने नंदीश्वर द्वीप की चारों दिशाओं में स्थित पर्वतों पर विराजमान जिन बिंबों का सुंदर वर्णन किया। विधान के दौरान भवनवासी देव, ज्योतिषी देव, व्यंतर देव एवं वैमानिकी देव के स्वरूप में मौजूद भक्त विधान के दौरान श्री जी की भक्ति करते हुए नजर आए। इस दौरान भक्तों ने श्री जी की आराधना करते हुए विधान के दौरान 864 अर्घ्य चढ़ाए। श्री जी का विहार होता है उससे पहले भी इस तरह की एक स्तुति की जाती है। आपकी भूमिका तो और विहार करने की और इस तरह की स्तुति से जब भगवान की पूजा हो जाती है तब अंत में जाकर के हे भगवान आप अन्य जीवों को भी अन्य देशों में चल कर के भी अन्य नगरों में चल कर के भी अन्य जीवों के लिए भी कल्याण करें ऐसी यह भावना इंद्र करता है भगवान से और उसी के उपलक्ष्य में लिखी हुई यह स्तुति है ऐसा बताने का भाव था। बबलू भैया थोड़ी आवाज। ओम रीम अरहम अभवाय जिन चैत्याय नमः। विधान के छठवें दिन भी भक्तों को भगवान की भक्ति कराते हुए मुनिश्री ने अपने श्रीमुख से ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए भक्तों में धर्म की प्रभावना की। इस दौरान मुनिश्री ने भक्तों को समझाया कि वह किसी भी वस्तु की लालसा में अपने आप को दुखी और व्यस्त ना करे। किसी वस्तु की इच्छा के चलते दुखी होना आत्महत्या से कम नहीं होता। हमेशा मनुष्य को हर स्थिति में मुस्कुराते रहना चाहिए। महाराज जी प्रणम सागर जी महाराज ने हम लोगों को इतना अच्छा कुछ सिखाया है जिसका कुछ वर्णन नहीं है। ये विधान हमने पहली बार अभी तक देखा है, अभी तक कभी ऐसा विधान देखा नहीं है। प्रणम सागर महाराज के सानिध्य में जो आके विधान हो रहा है, इस विधान में सभी भक्तगण अपनी आके पूरी भक्ति से आके लगन से आके इस विधान को कर रहे हैं। इस विधान से हमारे सारे दुख दूर होंगे और हमें आके मुनि महाराज का सानिध्य मिला है, ये हमारा भाग्य है। कमला नगर के डी ब्लॉक में चल रहे श्री नंदीश्वर द्वीप महामह पूजन के दौरान की संख्या में भक्त विधान में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अन्य राज्यों से भी भक्त मुनिश्री का आशीर्वाद लेने के लिए मुनिश्री की धर्म सभा में पहुंच रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार को विधान के दौरान मुनिश्री के मंगल सानिध्य में जहां एक ओर भक्त श्री जी की आराधना कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर विधान के दौरान सभी धार्मिक क्रियाएं एवं अनुष्ठान विधानाचार्य राकेश जैन द्वारा संपन्न कराए जा रहे हैं, जिसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये विधान 27 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद 6 दिसंबर को मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल सानिधि में भव्य योग शिविर का आयोजन कमला नगर में किया जाएगा। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।